सो फ्रेंड वेलकम बैक इन अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज हम बात करने वाले टॉप थ्रेडिंग टिप्स के बारे में। तो काफ़ी दिनों से ये हमारी सीरीज चल रही है एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको थर्ड टिप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ब्लैक बैकग्राउंड लेना है एंड उस ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद आपको अपने टेस्ट लिखना है। तो यहाँ पे मैं लेयर पे टैप करता हूँ। टेस्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपना टेस्ट लिखना है। यहाँ पे इसी ब्रदर लिखता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे अपना एक फॉन्ट सेलेक्ट करना है एंड फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो हमारा लेयर है आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिम कर देना है आपको लेयर को। तो यहाँ पे आपको मैंने थोड़ी सी ट्रिम कर दिया एंड इसके बाद आपको सिंपली इस पर टैप करना है एंड उसके बाद आपको थ्री डॉट पर टैप करके डुप्लीकेट कर देना है एंड यहाँ पे ऊपर वाले को आपको स्लाइड करना है एंड स्लाइड आपको उतने में करना है जहाँ पे दोनों की एंडिंग हो एंड जहाँ पे पहले वाले की एंडिंग हो एंड देन दूसरे वाले जो है उस पर आपको दूसरा टेस्ट लिख देना है। यहाँ पे दूसरा मैं सब्सक्राइब लिख देता हूँ एंड उसके बाद आपको ओके करना है एंड उसके बाद आपको सिंपली डायरेक्ट फिक्स वहीं पर लिखना है जहाँ पे दूसरा वाला एंड हो। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली ये वाला एक इफेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इसका नाम है प्रिज्मेरिन डिस्टोल। तो आपको सिंपली ये वाला इफेक्ट डाउनलोड करना है और आपको कुछ इस तरीके से इसको ट्रिम करके रख देना है एंड जहाँ पे दोनों का मिक्सअप हो रहा है वहाँ पे आपको सिंपली जहाँ पे एक बंद हो के दूसरे शुरू हो रहा है वहाँ पे आपको सिंपली इसको डालना है एंड स्पीड अपने आप से आपको मैनेज कर लेनी है। तो अब आपको सिंपली इतना क्रिएट हो जाने के बाद अब आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना रह जाता है। तो इससे पहले मैं आपको सिंपली इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेना है। मैं इसको सब्सक्राइब को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको सिंपली अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलिए अब सेकंड स्टेप पे। सेकंड टिप पे आपको सिंपली ब्लैक बैकग्राउंड लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना टेस्ट ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे इसी भी ऐड कर देता हूँ। इसी भी लिख देने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली ओके पे टैप कर रहे हैं और उसके बाद आपको सिंपली इसका एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको सिंपली इसको फुल स्क्रीन पर कर देना है। पहले इसको एडजस्ट करके आपको सिंपली इसको फुल स्क्रीन पर कर देना है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली एक इफेक्ट डाउनलोड करना है एंड ये रोलिंग बॉल नाम से एक इफेक्ट है एंड इसको टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली पिन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। पिन वाले ऑप्शन पर इसको आपको साइड पर ले जाना है एंड उसके बाद आपको थोड़ा आगे आना है एंड उसके बाद आपको सिंपली इसको बिल्कुल यहाँ पे स्लाइड करके पूरा इसको पार कर देना है। आपको पूरे यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा एंड उसके बाद आपको सिंपली अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है एंड एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली कोई भी क्लिप लेनी है एंड उस पर आपको सिंपली यहाँ पे मैं एक क्लिप ले लेता हूँ एंड इस पर आपको सिंपली यहाँ पे जो हमारी वीडियो है जो हमने एक्सपोर्ट करी है आपको सिंपली उसे सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको सिंपली इसको एडजस्ट करके यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है एंड ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिंपली इसको स्क्रीन कर देना है। तो स्क्रीन कर देने के बाद आपको सिंपली जो ब्लैक बैकग्राउंड होगा वो हट जाएगा एंड आपको सिंपली आप इसको सही से ट्रिम कर देना है जहाँ पे जो हमारा ये एनिमेशन जो हमने यहाँ पे लेयर ऐड करी है वो जहाँ तक है वहाँ तक आपको सिंपली इसको ट्रिम करना है। चलिए अब फर्स्ट ट्रिप पर। दोस्तों आप जो हमारी फर्स्ट टिप है उसको क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली ब्लैक बैकग्राउंड लेना है एंड यहाँ पे आपको सिंपली अपना टेस्ट लिख देना है। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी भी हमने टिप बताई है उनमें से सारे की सारी जो हैं वो एक टेस्ट एनिमेशन ही है। तो आपको अगर कोई भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली अब इसका इन एनिमेशन देना है। तो यहाँ पे वाइप राइट का एनिमेशन देना है। आपको सिंपली वाइप राइट का एनिमेशन देके आपको पूरा स्लो कर देना है। तो यहाँ पे मैं 0.5 से भी कम कर देता हूँ एंड इतना पूरा कम कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली करना है डन एंड उसके बाद आपको सिंपली एक इफेक्ट डाउनलोड करना है। जितने भी इफेक्ट यहाँ पे हम डाउनलोड कर रहे हैं वो सारे आपको एसएसएस स्टोर पे मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको सिंपली ये वाला इफेक्ट डाउनलोड करना है एंड आपको इस पर टैप करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इसको अच्छे से एडजस्ट करना है एंड आपको जहाँ की टेस्ट की जहाँ से बिगिनिंग हो रही है वहाँ पे आपको सिंपली इसको रख देना है। तो यहाँ पे मैं जहाँ से टेस्ट की बिगिनिंग हो रही है वहाँ पे आपको टैप करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे एनिमेशन जो यहाँ पे पिन वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको टैप करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा आगे आना है एंड जहाँ पे हमारी जहाँ पे अभी बी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बी जहाँ पे है वहाँ पे लाना है एंड उसके बाद थोड़ा सा और आगे और करना है एंड जहाँ पे हमारा एच ई आ गया है मतलब जहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आ गया है जहाँ पे नेक्स्ट एंड हो रहा है वहाँ पे आपको आना है एंड थोड़ा आगे आने के बाद दोबारा आपको आर को पूरा पार करा देना है। तो इस तरीके में आपका एक एनिमेशन बन जाएगा जो कि बहुत बढ़िया लगता है एंड इसके बाद आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना है एंड एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक नॉर्मल सी एक वीडियो लेनी है। यहाँ पे आपको सिंपली एक नॉर्मल सी कोई भी वीडियो आप शॉर्ट क्लिप कोई सी भी ऐड कर सकते हो जो आपका मन
तो मैं यहाँ पे सिंपली एक शॉर्ट क्लिप ऐड कर दिया है। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली एक आपको सिंपली अपने हिसाब से इसको ट्रिम कर लेना है, आपको कितना रखना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली जो हमने एक्सपोर्ट करा था वो आपको लेना है। एंड उसके बाद आपको ब्लेंडिंग पे जाके आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देने के बाद आपको सिंपली अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली इसको भी एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो हम जितनी भी हमने टिप बताई उनमें से आपकी फेवरेट कौन थी, अगर आपको एक भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज की वीडियो पे तब तक ले गुड बाय।